बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। केक विवाद पर बोले पीसीसी चीफ कमलनाथ। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, इन फालतू बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, आपको बता दें बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा भी कमलनाथ बोलते हुए नजर आए हैं, इसलिए ऐसे मुद्दे लाती है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां केक कटिंग विवाद पर एक बार फिर से कमलनाथ बोलते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है। आपको बता दें केक विवाद पर पीसीसी चीफ कमलनाथ अपना बोलते हुए पक्ष रखते हुए नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने पक्ष में ये कहा है कि इन फालतू बातों पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके के फालतू मुद्दों पर वो बात करते हैं, इसलिए मुझे ऐसे मुद्दे पर कोई भी जवाब नहीं देना है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे, केक विवाद पर बोले यहां पर कमलनाथ। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि इन फालतू बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बीजेपी के पास कोई अहम मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये सारी फालतू की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं इस तरीके की बातों पर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहता। मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है, जो है वो वीडियो में है, और ये फालतू बातें पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो बीजेपी को कुछ नहीं बचा, जिनके पास, वो ऐसा मुद्दा लाते हैं, ये इनकी सोच करते हैं। मुद्दे की कमी है कुछ बात, मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है। जो है वो भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता दिनेश शुक्ला। दिनेश, कल तक तो कमलनाथ का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, लेकिन अब जब पूरा विवाद हो गया उसके बाद कमलनाथ यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो फालतू की बातों पर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ पर मैं कमलनाथ के बंगले पर ही उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कार्यकर्ताओं का और नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। हम बड़े नेताओं की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सुरेश पचौरी, अभी उनको बधाइयाँ देखा करें हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बधाइयाँ दी हैं। सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री थे, उन्होंने बधाइयाँ दी हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी है। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पीसी शर्मा जी, सर बधाई दी, देखें आप लौट रहे हैं कमलनाथ जी। निश्चित तौर पर जुग जुग जिए हमारे नेता, और मध्य प्रदेश और देश का नेतृत्व करते रहे, इनके जैसा कोई नेता आज हिंदुस्तान में नहीं है। सर, उन्होंने कहा कि कल केक विवाद जो लगातार दो दिन से छाया हुआ था, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की कि इस तरह की फालतू की बातें करती है बीजेपी। नहीं, केक है, जन्मदिन पे केक नहीं तो क्या अंडा फोड़ेंगे, क्या करेंगे, केक ही तो आएगा। और जो विवाद कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, कोई न मंदिर न हनुमान जी का कोई ऐसा केक काटा है, झूठ फैलाने में माहिर है बीजेपी। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग आते हैं वो नाम लिखते हैं अपना, बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, तो कोई काटते हैं कि हम लोग लिख के लाते हैं अपना नाम, तो काटते उसको बचा के किया जाता है। ऐसे ही कमलनाथ जी का, ये क्या अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा आ रही है भारत जोड़ो, इससे घबराए हुए हैं, और पूरी कमलनाथ जी का जो कद मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2023 चुनाव बढ़ता जा रहा है, उस यात्रा की वजह से लाखों लोग उसमें भाग लेंगे, ये घबराहट है। और एक गाना है कि जब डर लगे तो गाना गा, गाने गा रहे हैं, डर लग रहा है। तो यहाँ पर साफ तौर पर पूर्व मंत्री और भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक पीसी शर्मा का कहना है कि डरी हुई है बीजेपी, इसलिए इस तरह के विवाद पैदा कर रही है। साफ तौर पर आज कमलनाथ ने भी इस केक विवाद पर विराम लगाया है और लगातार अपनी बधाइयां लेते हुए वो दिख रहे हैं, चूंकि ये मामला जो था उनके जन्मदिन के पहले केक काटने का था, तो लगातार सुर्खियों में रहा है। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि बीते दो दिन से यहाँ पर केक विवाद चल रहा था मध्य प्रदेश में, जहाँ कमलनाथ के द्वारा एक जो केक काटा गया था वो मंदिर से रिलेटेड था, जिसको लेकर बीजेपी दो दिन से यहाँ पर कई तरीके के वाद विवाद कर रही थी, आरोप लगा रही थी, लेकिन अब कमलनाथ यहाँ पर बोलते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस तरीके के बयान पर टिप्पणी पर वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं।